छोड़िए ना, छात्रों की बात हो रही है। पप्पू भाई छोड़ दीजिए ना, चुनाव चुनाव आते जाते रहेंगे, छात्रों की बात कर लेते हैं आज। छोड़िए ना चुनाव, मंडल कमंडल, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, छोड़िए ना, छात्रों की बात कर लेते हैं ना। जब से यहाँ पर बैठे हैं आप ही पंजाब, पाकिस्तान, चुनाव, हिंदू मुसलमान, संभव नहीं है। छात्रों की बात कर लेते ना पप्पू जी, आप तो क्योंकि आप आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए, तो उनकी बात करते हैं, हमारा साथ दीजिए ना। नवल भाई आप बोलिए। जब वो गुरु प्रकाश कह रहे हैं समिति बना दी गई है, मांगों पर विचार किया जाएगा और भर्तियों पर रोक लगा दी गई है, अब क्या बचा है? आज का आंदोलन क्यों? फिर कोई एक मांग होगी, कोई एक मांग बताइए, आज का आंदोलन क्यों, मांग बताइएगा मेरे को। देखिए, मांग तो छात्रों ने रखा है और पिछले 3 साल में 2019 से लेकर अभी तक सरकार को यह भी नहीं पता था कि उसके एडवर्टीजमेंट में या उसके प्रक्रिया में क्या खामी है, जबकि 8-8 मिलियन ट्वीट हुआ उसके बाद उनको नहीं पता चला। जब आंदोलन के लिए छात्र सामने आए तो उसको जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पुलिस ने उसको पीटने का काम किया, घायल किया, उसको उसके साथ बुरा बर्ताव किया, और उसके उसके बाद नवल आज का बंद क्यों? सरकार मानती है आज का बंद क्यों? हमारे पास आप सुन लीजिए पहले, आज का बंद क्यों? आपसे ज्यादा नहीं बोलेंगे, जितना चाहे वजह होगी ना, छात्र पे ही बोलेंगे कि जितना मांग छात्र की थी वो सरकार को पता चलने में 3 साल लगता है, लगातार गलतियां करते जाती है, बाद में कमेटी बिठाती है, लेकिन जिन छात्रों की पिटाई हुई, पुलिस बर्बरता हुई, यह इसके खिलाफ में हमारी पार्टी की मांग थी और आज हमने बंद का आह्वान किया था। इसमें छात्र है या नहीं है ये तो सवाल ही नहीं उठता है। एक राजनीतिक दल जो पूरे बिहार में अच्छा, छात्रों का नहीं था या आपका बंद था? चलिए ठीक है, ये आप अच्छा क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है, इतनी ईमानदारी से। ये छात्रों का बंद नहीं था आज, ये नेताओं का बंद था, बात ही खत्म होगी, इतनी ईमानदारी से आप मान रहे हैं, ठीक है? ईमानदारी नहीं, आप पढ़िए ना जो नोटिफिकेशन आज ही निकला, छात्रों का बंद नहीं था भाई आज, ये नेताओं का बंद था। नवल जी बोल रहे हैं अभी, आरजेडी से नवल जी बोल रहे हैं। पप्पू यादव जी, नवल जी को बोलने दीजिए, नवल जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आमिर अदर जैदी भी है लेफ्ट से, फिर अजय आलोक आ रहा हूँ, एक मिनट पहले नवल जी कंप्लीट करेंगे। नवल जी मतलब आज छात्रों का बंद नहीं था, ये नेताओं का बंद था। मुझे सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए, बंद जो किया गया है जो की गई है, चाहे मांगों को दबाने का प्रयास किया गया है, तानाशाही तरीके से दबाने का प्रयास किया गया है, उसके खिलाफ में ये अहिंसक बंद है। नंबर 2, जो भाजपा के हमारे मित्र पिछले 7 साल की का आंकड़ा पेश कर रहे हैं, पिछले साल चुनाव में जो 19 लाख रोजगार की बात किया और उस समय जो हम लोगों ने बात की थी कि 10 लाख रिक्तियां हैं, सरकारी रिक्तियां हैं, उसको भरने की दिशा में क्या काम किया है? आंकड़े फेंक मत दीजिए, बेकार आंकड़ों से क्यों लोगों को भरमाते हैं? आप सीधा बोलिए तो 2020 में जो धांधली के आधार पर सरकार आपने बनाई, उसके बाद जो आपने वायदे किए थे 19 लाख रोजगार का, जिसको आपके साथी ने खारिज किया था, उस पर क्या किया था? वो सियासी लड़ाई बाद में, आज छात्रों की बात करेंगे। अच्छा तो पहले पप्पू यादव अब आप बोलिए, फिर अजय आलोक आ रहा हूं और आमिर हैदर जैदी आ रहा हूं। पप्पू यादव बोलिए अब। नवल जी कह रहे हैं छात्रों का नहीं, नेताओं का बन था आज। जी जी पप्पू यादव जी, फिर आमिर हैदर जैदी आ रहा हूं। सर मैं एक बात बता दूं सर, 26 तारीख को ही 28 के लिए ये बातें हो गई थी और ये हुआ था कि लिखित ऑर्डर यदि नहीं आता है और 15 फरवरी के पहले यदि हमारे रिजल्ट को हटकर ज्वाइनिंग की बात नहीं करता है और C2 हो या 1 एग्जामिनेशन का सवाल हो, जब तक कोई रिटर्न नहीं आता है बार बार बुलेटिन के द्वारा, कभी सुशील मोदी साहब बोल देते हैं, जब बच्चों को पीटते हैं तो जाते नहीं है। मैं एक बात बता दू, बहुत प्रार्थना करके कि कल तक महागठबंधन के नेताओं ने, आज तक आप उठा के देख ले भाई, ट्वीट भी नहीं किया लालू यादव एंड फैमिली एंड रामविलास जी एंड फैमिली या कोई गठबंधन। सर कल उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी दी, सर नैतिक जिम्मेदारी दी और नैतिक जिम्मेदारी दी और एक भी एमपी सर वो नहीं थे सड़कों पर, सिर्फ छात्र थे सर, एक भी नेता बिहार का नहीं था सड़क पर सर। सर आप दिखा दो कोई नेता को, और आज एक भी छात्र नहीं था, पार्टी का बंद नहीं था और आज एक भी छात्र नहीं था सर, टोटल छात्र थे सर, आज 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 एक भी आज, लीडर नहीं थे, आज छात्रों का नहीं था, आज नेताओं का बंद था, बिहार के सारे छात्र थे, आज तो सारे नेता थे ना, छात्र थोड़ी ना था।
सर एक भी नेता नहीं थे, सर सर एक भी नेता नहीं थे आरजेडी के, पप्पू यादव जी एक भी नेता कांग्रेस के नहीं थे। ये जो गुंडागर्दी हो रही है ये छात्र नहीं है सर। पप्पू यादव जी छात्र ऐसा नहीं करते, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है छात्र ऐसा नहीं करते। छात्र पार्टियों के झंडों के साथ उतरते हैं, गुंडा है सरकार नहीं, छात्र पार्टियों के नेताओं के साथ, पार्टियों के झंडे के साथ उतरते हैं छात्र, गड ठुक के मारती है, ये छात्र नहीं कर सकते। और माफियाओं को ये एमएलसी में टिकट देती है। ये तस्वीरें छात्रों की है पप्पू यादव जी, ये तस्वीरें छात्रों की, छात्र ये सब नहीं करते हैं जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये छात्र नवल जी भी बोल रहे हैं छात्र और सरकार की बात बन रही है। जो खान सर है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं आंदोलन मत करिए भाई, छात्रों से कह रहे हैं वो, छात्रों से वो कह रहे हैं आंदोलन मत करिए, सारी मांगे मान ली गई हैं, सारी मांग, ये देखिए जो खान सर हैं वो भी कह रहे हैं मत करिए, छात्र है ही नहीं, ये सारे नेता सड़कों पर थे, पार्टियों के पॉलिटिकल कार्यकर्ता सड़कों पर थे। अजय आलोक आप प्रवक्ता मत बनिए बीजेपी की, छात्रों का बन रहा हूँ सर, आप पार्टी के प्रवक्ता बन रहे हैं। अजय आलोक मैं छात्रों का प्रवक्ता बन रहा हूँ, आप पार्टी के प्रवक्ता मत बनिए, छात्रों के प्रवक्ता बनिए, छात्रों के प्रवक्ता बनिए आप, छात्रों की बात करिए, ये छात्र नहीं है। वो देखिए क्या हाल कर रहे हैं महिलाओं का क्या हाल कर रहे हैं वहाँ पर, सन 74 में कितने आंदोलन हुए नहीं पता है। पप्पू यादव जी कोई छात्र ये सब नहीं करता है, आप सिखाइए मत छात्र, छात्र पार्टियों के झंडों के साथ उतर के महिलाओं से बदतमीजी नहीं करता है, वो छात्र नहीं हो सकता, कोई छात्र ये सब नहीं करता पप्पू यादव जी, कोई छात्र इस तरह से गुंडागर्दी नहीं करता, ये छात्र नहीं होते। अजय आलोक देखिए अमन, आपके चैनल पे और तमाम टीवी चैनल्स पे, बिहार के सारे चैनल्स पे सुबह से चल रहा है, कौन कौन लोग पहुंचे हुए हैं, आरजेडी का एक एमएलए खुद खड़ा होकर वहां बंद करवा रहा है और ये कह रहे हैं कि सारे छात्र हैं, कोई है ही नहीं नेता। पप्पू यादव जी के पार्टी के अपने झंडा अपनी पहचान रहे अपनी पार्टी का, जिसमें उन्हीं के फोटो लगे हुए देखिए आपके स्क्रीन पर चल रहा है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा किससे झूठ बोल रहे हैं। अरे कहिए कि अपनी पॉलिटिकल ब्लू लाइनिंग स्कोर करना चाह रहे हैं, महागठबंधन के नेताओं ने समर्थन तो हमने भी किया, एनडीए के नेताओं ने हमने भी समर्थन किया कि ठीक है छात्र किया तो आप की आवाज के साथ में, लेकिन ये अराजकता फैलाने के लिए अगर राजनीतिक दल अराजकता फैलाएंगे तो इस देश में व्यवस्था कैसे रहेगी, देश में व्यवस्था कैसे रहेगी। ये तय करता है कि इन लोग का चरित्र ही अराजक है, चरित्र ही अराजक, और कुछ नहीं कर सकते इन लोग, ये अराजकता ही फैलाएंगे। अरे आपको एक लाइन की बात है कि छात्र के साथ आप हैं या नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि रिटर्न दे दीजिए, रिटर्न कहां से मिल जाएगा, उसी के लिए तो कमेटी बुलाई गई है, जो कमेटी अपना निर्णय देगी उस पर निर्णय होगा, परीक्षा पे रोक लगा दी गई तुरंत, तो ये सब चीज समझ में नहीं आता, ये उसको समझ में आएगा ना जिसका ऊपरी माला में कुछ हो, यहाँ तो खाली है, यहाँ तो मौका मिलना चाहिए हंगामा करने का। देखिए यूपी चुनाव बार बार कह रहे हैं, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड ढंग से कांग्रेस की तो बिल्कुल पिक्चर सामने आ गई कि आज 28 तारीख को गोरखपुर में कैसे बंद करेंगे। अवध रंजन चौधरी बंगाल के सांसद, उनकी मिली भगत, कांग्रेस पार्टी के बिहार के नेताओं की मिली भगत, NSUI की मिली भगत कि हर देश के हर जगह पे ये हंगामा करवाना है, ये तो ओपन हो गया सबके सामने परसों ही रेलवे की चिट्ठी से, ये तो साफ हो गया कि आज राजनीतिक दलों ने, विपक्ष ने एजेंडा बनाया कि इसी छात्रों को के कंधे पे अपनी बंदूक चलाते हैं। कोई छात्र आंदोलन में नहीं था आज, सारे छात्र कह रहे हैं मेरा मतलब में हमें घसीट रहे, और सारे राजनीतिक दल के नेता अराजकता फैलाने सड़क पर उतर गए हर जगह, और ये साफ है, ये दिख रहा है, मैं क्यों, मुझे बोलने की जरूरत क्या है। नवल जी आप जानते हैं कि RRB NTPC लेवल 1 की भर्तियों पर रोक लगा दी गई है, भर्तियों पर रोक लगा दी गई है, छात्रों की मांग सुनने के लिए समिति का गठन कर दिया गया है, छात्र 16 फरवरी तक समिति को अपनी शिकायतें भेजेंगे, ये सारी मांगे मान ली गई है नवल भाई,